ये दाल चावल शिवजी, इसमें कल का साथ, कल का बचा हुआ छाछ। फाइनली दोस्तों मेरे साथ तो खेला हो गया, और खेला यही हुआ कि ब्लॉग एडिटिंग करके मैं सेव करके सिप पे लगा करके और फ़ोन रख दिया साइड में कि जब तक ब्लॉग सेव होगा तब तक थोड़ा देर ऐसे ही आराम कर लेता हूँ। लेकिन ये आराम कब नींद में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। राधे राधे आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हों। और मैं अभी तैयार हो चुका हूँ ड्यूटी जाने के लिए, और अब गर्मी का मौसम आ चुका है। देखिए कितना तेज धूप निकला हुआ है, और देखते हैं नाश्ते में क्या है दोस्तों। नाश्ता करते हैं और निकलते हैं नाश्ते में। और नाश्ते में दोस्तों देखिए पास्ता है। ए टोपी इधर कैसे आ रहा भाई, ये है नाश्ते में पास्ता चाय। तो चलिए दोस्तों नाश्ता करते हैं और निकलते हैं अपने ड्यूटी करने के लिए, काम करने के लिए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अभी अपने ड्यूटी करने के लिए, जल्दी जल्दी से नाश्ता किया क्योंकि मैं लेट हो चुका था, और फटाफट आ करके अपनी गाड़ी में सवार हुआ है, टेम्पू है गाड़ी है, और जा रहे हैं अभी काम करने, और मिलते हैं आप लोगों से शाम में। और मैं कल सोचा था कि कुछ रूटीन में अपना बदलाव करूँगा, अपने वर्जिश वगैरह करूँगा, वर्कआउट वगैरह करूँगा, 6 बजे जागूंगा, लेकिन सारा प्लान फेल हो गया दोस्तों। 6 बजे नींद खुला, सोचे 10 मिनट और सो लेते हैं, वो 10 मिनट हमारा 7 बजे। तो आज का तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज शाम में आऊँगा तो करूँगा, और कल मॉर्निंग से फॉलो करना ही करना है चाहे जो, क्योंकि आज हम फेल हो गए लेकिन हर रोज़ फेल होना सही नहीं। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम पर, और मेरे पास तो कोई कॉन्टेंट, ड्यूटी गया हूँ, ड्यूटी से आया हूँ, और अभी कपड़ा चेंज करूँगा और क्या करूँगा, थोड़ा बहुत छत पर घूमूंगा, सब लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करूँगा, बस यही। और हमारे पास तो कोई कंटेंट है नहीं, और बाहर का मौसम का हाल जैसे हर रोज़ दिखाता हूँ वैसे आज भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, और कंटेंट के नाम पे हमारे पास यही अवेलेबल है। देखिए ये अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, 4:38, थोड़ा लेट हो गया आज, गाड़ी हमारी लेट आई इसलिए हम लोग लेट आए। हमारे पास कॉन्टेंट के नाम पर यही है दोस्तों, तो यही वाले वीडियो पर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जो भी करना है कीजिए। और दोस्तों मैं अभी अपना कपड़ा चेंज कर लिया हूँ अच्छे से, पैर हाथ धो करके, और रजाई में घुस गया हूँ। वैसे तो ठंडा है नहीं, लेकिन जब रूम में बैठो रजाई में घुस जाओ तो गर्मी भी नहीं लगता, तो इसीलिए मैं रजाई में घुस गया हूँ, रजाई का कंबल है इसमें घुस गया हूँ। अभी फ़िलहाल अपना मैं ब्लॉग का एडिटिंग कर लेता हूँ, अभी तो बहुत धूप है बाहर में, और उसके बाद छत पर जाता हूँ तो आप लोगों को छत का नज़ारा दिखाता हूँ दोस्तों, और जो एक्सरसाइज वगैरह मैं शुरू करता हूँ वो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए फिलहाल मैं अपना ब्लॉग एडिटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों मेरे साथ तो खेला हो गया, और खेला यही हुआ कि ब्लॉग एडिटिंग करके मैं सेव करके सिप पे लगा करके और फ़ोन रख दिया साइड में कि जब तक ब्लॉग सेव होगा तब तक थोड़ा देर ऐसे ही आराम कर लेता हूँ। लेकिन ये आराम कब नींद में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला, और अभी मैं जागा हूँ तो टाइम देख रहा हूँ तो 7:45 हो रहा है, मतलब मैं 6 बजे सोया, 7:45 बजे जागा, मतलब लगभग 1.5 घंटा से ऊपर तक मैं सोता रहा। अभी अचानक से नींद खुली है, मतलब क्या क्या प्लान किया था, मैं जाऊंगा छत पे एक्सरसाइज करूंगा, घूमूंगा, आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा, लेकिन क्या अभी आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाऊं दोस्तों समझ नहीं आता। देखिए दिखाता हूँ बाहर में अभी कैसा माहौल है इधर में, देखिए अंधेरा, पूरा अंधेरा कायम रहे, देख सकते हैं बाहर में यही है अंधेरा कायम रहे, लेकिन हाँ ठंड दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल मतलब नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब आपका 80% ठंड खत्म हो गया, 20% ठंड है वैसा। अभी बाहर में निकला हो तो उतना ठंड नहीं लग रहा, हल्का हल्का सिहरावत जैसा लग रहा है, हल्का हल्का जैसा कि स्टार्टिंग सीजन में होता है वैसा, क्योंकि बहुत जल्दी इस बार ठंड खत्म हो रहा है। नहीं तो हम लोग जब छोटा थे, मतलब हम लोग नहीं, हम जब छोटा थे तो क्या बोलते उसको, जब सरस्वती पूजा का टाइम आता था तो इतना ठंड पड़ता था, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ, हम लोगों को सरस्वती पूजा की तैयारी करने में हालत ख़राब हो जाती थी। इस बार तो लग रहा था गर्मी है एकदम, अभी भी दिन में जाते हैं ड्यूटी करने एकदम पूरा धूप रहता है, एकदम पूरा पूरा गर्मी लगता है, पहले के जैसा अब क्लाइमेट नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब खाने में क्या बना है, अब खाना ही खाते हैं, और खाना खाने के बाद क्या करना है, अभी तो अब सारा सो लिए तब नींद भी नहीं आएगा, तो चलिए पहले फिलहाल खाना खाते हैं, आप लोगों को खाना दिखाते हैं कि आज खाने में क्या बनाया, 3-4 दिन से आप लोगों को खाना नहीं दिखाया हूँ,
और बाहर का मौसम दिखाने वाला था, शाम में एक्सरसाइज करके दिखाने वाला था, वो सारी चीज़ें तो नहीं दिखाया हूँ, लेकिन कल दिखाऊंगा। कल से पूरा प्रयास है मेरा, कल करूंगा, क्योंकि कल कल करके कल कभी आता नहीं है, इसीलिए कल करना है, कल को आज में तब्दील करना है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, देखते हैं खाने में क्या। हाँ जी दोस्तों, तो श्री रावण को काट करने के लिए मैं पहन लिया हूँ अपना स्वेटर, और अब चलिए चलते हैं नीचे, दिखाते हैं खाने में क्या बना है। अभी फिलहाल तो इधर कोई खाने पीने आया नहीं है, लगता है मैं पहला शख्स हूँ जो मुझे भूख लग गया। और गाइस कैसे हो? बढ़िया, खाना रेडी है, आप भी खाना खाइए। गरम गरम फुलके हैं, अरहर की दाल है, आलू गोभी की सब्जी है, सलाद है। क्या बात। तो देखिए दोस्तों, आज खाने में हमारा ये मेन्यू था, आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हाँ दिखा सकता हूँ किधर है। ये दाल, चावल, सब्जी, इसमें कल का बचा हुआ छाछ, ये सारी चीजें बना है दोस्तों। और इधर के कुछ जने हैं, उनसे मिलवाता हूँ। देखिए, अरे सर, राधे राधे सर, मैं सो गया था करके तो नींद खुली तो ठंडी लग रही थी। गोरा तो मैं था ही, लाइट पे थोड़ा और ज्यादा गोरा लग रहा हूँ। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं और हम चलते हैं, अब सोएंगे खा पी करके। एक बार तो सो रही एक डेढ़ घंटा, फिर सोएंगे। तो चलिए बाय बाय टाटा गुड नाइट, मिलते हैं कल के ब्लॉग में सुबह 6 बजे। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय टाटा गुड। नहीं, अब चाय नहीं पियेंगे, हम चाय पी करके एक बार धोखा खाएंगे। चलिए दोस्तों, बाय।